शहर और जिले के प्रतिष्ठित चिकित्सीय प्रतिष्ठान बीएम शाह अस्पताल जाना जाता है अपनी बेहतर चिकित्सीय प्रणाली के लिए, और पूरे देश भर से मरीज अपने जटिल से जटिल रोगों का इलाज कराने यहां पहुंचते रहते हैं और स्वस्थ होकर खुशी खुशी यहां से लौट कर जाते हैं। एक बार फिर बीएम शाह अस्पताल ने एक जटिल पेट रोग का इलाज सफलतापूर्वक करते हुए नया परचम लहराया है। आज पेट रोग से ग्रसित मरीज जिसका इलाज बीएम शाह में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, वह मरीज आज बिल्कुल स्वस्थ रूप से अपना जीवन यापन कर रहा है। बीएम शाह अस्पताल में बतौर पेट रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर आशीष पी दूधे ने मरीज की हालत और उसके रोग के बारे में जानकारी देते हुए उसके उपचार की पूरी प्रक्रिया बताई। आप भी सुनिए किस तरह से बीएम शाह अस्पताल में जटिल से जटिल रोगों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक हमारे रेलवे के जो पेशेंट थे रामा राव जी, वो अपने पेट से संबंधित और वॉमिटिंग, अपनी उल्टियों से बहुत परेशान थे, रेलवे द्वारा यहाँ रेफर किया गया। उसके बाद हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने, हमारे डॉक्टर विजय बच्छाली नेफ्रोलॉजिस्ट ने देखा, उन्होंने किडनी संबंधित देखते हुए उन्होंने रेफर किया कि उनको जो पेट में दर्द जो समस्याएं थी उन्होंने गैस्ट्रो के लिए ओपिनियन के लिए लिखा। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर आशीष पी दुबे ने उनको देखते हुए उनका ट्रीटमेंट किया और जो बहुत मेजर सर्जरी थी उनको सफलतापूर्वक सफल रहे वो, उनके एंडोस्कोपी के द्वारा ही उनको पता लगा कि कुछ गांठ उसमें फंसी हुई थी जो बहुत बड़े ब्लॉकेज था, उन्होंने बहुत सुविधा बहुत ईजी तरीके से उनको निकाल के बाहर किया। पी एम शाह में ये लगातार सर्जरियाँ इस तरह का कि हमारे पास जो एक्सपर्टीज डॉक्टर्स हैं, हमारे पास सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, अभी जैसे हमारे डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष पी दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नए एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी हमारे यहाँ सुविधाएँ दी जा रही है। बी एम शाह हॉस्पिटल एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। 100 रुपये में ओपीडी है, 5 रुपये में 3 टाइम का खाना है, ये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सुविधाएँ नहीं है। 100 रुपये में हमारे सीनियर सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स देख रहे हैं। ने अभी नई मशीनें, एंडोस्कोपी मशीनें अभी इंस्टॉल करवाई है जो हमारे डॉक्टर आशीष पी दुबे के द्वारा, जो अभी एंडोस्कोपी किया गया वो नई मशीन ही थी। इस बार जो नया हुआ है, ये जो डिसीज़ के बारे में हमको पता चला, ये बहुत ही मतलब रेयर डिसीज़ है। जो पेशेंट है हमारे, वो एडमिट हुए थे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में किडनी बीमारी की वजह से, और उनका काफ़ी लंबे समय से इलाज चल रहा था, स्टीरॉइड्स पे थे वो। और जब यहाँ एडमिट हुए तो उनका एडमिट होने का कारण था कि उनको बार बार उल्टियाँ हो रही थी, कुछ भी खाना पचा नहीं पा रहे थे, जैसे ही खाते थे वैसे 2-3 घंटे के बाद में जो खाना खाया वही वापस निकल जा रहा था। तो उसके बाद मुझे देखने के लिए कहा गया कि आप देखिए करके, मैंने देखा, अच्छा उसका प्रॉपर मतलब पूरा हिस्ट्री लिया, कितने दिन से दिक्कत है, क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। उसके बाद डिसाइड किया कि अगले दिन ही हमें दूरबीन की जांच, जिसको अपर जीआई एंडोस्कोपी बोलते हैं, वो करेंगे करके। तो अगले दिन ही हमने एक एंडोस्कोपी किया, उसमें देखा कि जो हमारा पेट है स्टमक, उसमें उसको रुकावट थी जो 80% से ज़्यादा था, और जो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट और जो सेकेंड पार्ट है उसमें भी रुकावट था। तो उस रुकावट की वजह से खाना आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जैसे ही कुछ खाना खाते थे 2-3 घंटे के बाद में वॉमिटिंग हो जाता था। तो मैंने सोचा कि इसका कारण क्या हो सकता है, रुकावट तो है लेकिन कारण क्या है। तो उसको कारण को जानने के लिए जहाँ जहाँ पर रुकावट थी वहाँ से मैंने एक छोटे छोटे बाइट्स ले लिए, मतलब एक स्टमक के और इंटेस्टाइन का कुछ पीसेस ले लिए उसको देखने के लिए कि क्या हो सकता है करके। तो हमारे पास उसको भेजा, पैथोलॉजिस्ट ने हमारे यहाँ रिपोर्ट किया, उसमें बोले कि एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का नाम है स्ट्रोंगिलॉइड्स टर्कोरोलिस, जो कि बहुत ही कम पाया जाता है और इंडिया में, साउथ इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है लेकिन बाकी शहरों में बहुत कम पाया जाता है ये। तो उसको फिर हमने ट्रीट किया, उसका टैबलेट जो दवाई दी थी हमने उसको आइवरमेक्टिन नामक 6 मिलीग्राम दिन में एक बार करके उसको 6 हफ्ता। तो ट्रीटमेंट जब हम यहाँ शुरू किए थे 4-5 दिन के बाद ही पेशेंट रिस्पॉन्ड करने लगा था। धीरे धीरे उसको हमने लिक्विड डाइट पर रखा था, उसके बाद धीरे से सॉफ्ट डाइट, फिर नॉर्मल डाइट, तो इम्प्रूव करते गया पेशेंट। और 6 हफ्ते के बाद जब हमने उसको फॉलोअप किया यहाँ पे, फिर से एक रिपीट एंडोस्कोपी दूरबीन की जांच करके देखी हमने, तो जो पहले जो रुकावट थे वो अभी इस बार पूरे क्लियर हो गए थे। पेशेंट बहुत अच्छे से मतलब खाना खा पा रहा था और इस 6 हफ्ते में उसको एक भी बार उल्टी नहीं हुई, उसको खाना अच्छे से पचा पा रहा था, कोई पेट में दर्द नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। तो पेशेंट स्वस्थ होके घर गया था, उस टाइम पे भी 6 दिन जब था स्वस्थ होके गए थे, अभी भी आया था, अभी भी बहुत अच्छे हैं।
किडनी की समस्या, उसका जो नाम है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस करके एक है, FSGS, वो भी उसका अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी ठीक हो गया है। पहले जो किडनी का जो हम लोग देखते हैं क्रिएटिनिन करके बोलते हैं, वो जब एडमिट था तब उसका ज़्यादा था, वो कहीं और किसी और हॉस्पिटल से रेफर होकर हमारे यहाँ आया था। जब हमने छुट्टी किया तब वो किडनी भी उसका इम्प्रूव कर गया और जो पेट की समस्या थी वो भी इम्प्रूव कर गई, और अभी भी जब आया पेशेंट फॉलोअप में किडनी भी उसका बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसका पेट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक्चुअली में ये ऐसे फैलता नहीं है, ये बेसिकली इनको बहुत दिन से स्टेरॉइड चल रहा था, तो जब स्टेरॉइड चल रहा था तो बॉडी का जो इम्यून फंक्शन है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। जब वो कम होती है तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं, किसी का भी अगर कम होता है तो कोई भी इन्फेक्शन जो अपॉर्चुनिस्टिक जो रेयर होते हैं वो होने के चांसेस हाई रहते हैं। तो इस पेशेंट के केस में इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलेंगे, जो कि इसका स्टेरॉइड चल रहा था तो इसका रोग प्रतिकार शक्ति शरीर में जो रहती है वो कम हो जाती है, तो कोई भी जो एनवायरनमेंट में जो इन्फेक्शंस होते हैं वो जल्दी से शरीर पकड़ लेता है। तो इस केस में मेरे हिसाब से ये चीज़ हुई है, तो इसको वो बाहर से एनवायरनमेंट से मिला है। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं जिनका रोग प्रतिकार शक्ति हमारे जैसे लोगों का जिनका नॉर्मल है, उनको ये सहसा नहीं होता है। पेट रोग से जैसे कि अगर मतलब लीवर डिसीज, पैंक्रेटाइटिस, ये सब चीज़ों का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ सब पूरा होता है। और एंडोस्कोपी जब हमने दूरबीन की जांच स्टार्ट करी, जिसको अपर या एंडोस्कोपी बोलते हैं, एंडोस्कोपी जो दूरबीन की जांच होती है, बेसिकली हम मुंह से दूरबीन डालते हैं, दूरबीन को डालते हुए हम ये जो खाने की नली है इसको इसोफेगस बोलते हैं इंग्लिश में, इसोफेगस से आते हुए फिर हम लोग ये पेट, ये जो स्टमक देख रहे हैं आप, ये पेट में आए हम। जब पेट में आया मैं तो उस पेशेंट में जब मैंने देखा यहाँ पे पेट में पूरा खाना भरा हुआ है, खाना भरा हुआ है, तो फिर हमने देखा कि खाना आगे क्यों नहीं जा रहा है, तो ये वाला जो पेट का जो आखिरी हिस्सा है यहाँ पे उसके मतलब जो पैसेज है वो नैरो हो गया था, मतलब सुकुड़ गया था, इसलिए खाना आगे नहीं जा पा रहा था। लेकिन हमारा स्कोप जो है एंडोस्कोपी जो कर रहे थे हम, उससे थोड़ा और आगे जाके देखे, क्योंकि वो थोड़ा पतला होता है 9 mm का, तो हमने देखा ये जो पहला हिस्सा है छोटी आंत का, ये छोटी आंत बहुत बड़ी होती है, 6 मीटर की होती है, तो हम एंडोस्कोप से पहला हिस्सा देख पाते हैं। तो पहले हिस्से में भी जाके देखा मैंने, तो पहला हिस्सा और जो दूसरा हिस्से का जो जंक्शन है वहाँ पे भी जो पैसेज का सुकड़न था, मतलब नैरो था पैसेज, इसलिए खाना आगे नहीं जा पा रहा था। तो जब भी पेशेंट खाना खा रहा है तो पूरा पेशेंट का जो खाना है पेट में जमा होते जा रहा है, और 2-3 घंटे के बाद में जब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा तो क्या करता था पेशेंट, उसको वॉमिट कर देता था, उल्टी कर देता था। तो जब हम जाके यहाँ पे देखे तो यह वाले हिस्से में सुकड़न थी और ये वाले हिस्से में सुकड़न थी, मतलब रुकावट थी बेसिकली, जो 80% से ज़्यादा था, इसलिए खाना नहीं जा पा रहा था। तो हमने यहाँ से उसको कुछ कुछ बाइट्स, उसको बायोप्सी बोलते हैं, यहाँ से बायोप्सी लिया, छोटे आंत के हिस्से पहले हिस्से से लिया, दूसरे हिस्से से लिया और स्टमक से लिया। फिर उसके बाद रिपोर्ट आई जब बायोप्सी की, उसमें हमको मिला कि जो कीटाणु है स्ट्रोंगिलॉइड स्टर्केरोलिस। जैसे मैंने बताया कि दूरबीन की जांच जो हम लोग पेट के लिए करते हैं, जो मुंह के द्वारा करी जाती है वो करते हैं, और दूसरा एक कोलोनोस्कोपी है जो पीछे के रास्ते से करते हैं, जिसके लिए मतलब किसी को लैटरिन में अगर किसी को खून आ रहा है या फिर बार बार हो रहा है पॉटी, पतला दस्त हो रहा है, तो वो सबका भी हम लोग देखते हैं। और दूसरा एक ERCP होता है, जो पित्त की नली में जो स्टोन होते हैं, जो पत्थर होते हैं या फिर रुकावट होती है, उसका भी इलाज यहाँ पे करते हैं।